तो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ ग्रैंड आरपी। सामने तुम देखो ये कौन गलाबाजी कर रहा है, ये है भाई हमारे हैप्पी भाई औसम जेनोम। औसम जेनोम जो है मतलब अभी मेरे को ले जा रहे हैं एक गैंग ज्वाइन कराने के लिए। बाकी यार काफी मस्त गाड़ी है औसम जेनोम की, तो मतलब मैं भी मन कर रहा है कि एक ऐसी सी गाड़ी खरीद लूं मैं, काफी मजा आ जाएगा ऐसी गाड़ी चलाने में। अभी जाओगे तो इंटरव्यू लेकर वो तो वहाँ पे पूछेगा कि कितनी कार्स रहती है, कितने लोग होने चाहिए। कोई प्री मेड आंसर्स है क्या जो वही देने हैं वही करेगा? ये लोग इवेंट्स में जाते हैं ना, तो ये सब रूल पता होना चाहिए। कुछ है नहीं, तीन लाइन का है। कोई सामने तुम्हारे मरा हुआ है और तुम्हारे हाथ में गन है, तो तुम उसे रिवाइव कर पाओगे कि नहीं? तो बोल देना नहीं रिवाइव कर सकते। अगर किसी को रॉब करना है तो एटलीस्ट तीन लोग होने चाहिए। और एचक्यू में शूट नहीं कर सकते हम लोग, जो हेडक्वार्टर होता है इनका वागोस का। एचक्यू में कभी भी जाना है तो ये गैंग वाले कपड़े पहन के जाना है। एचक्यू में कभी भी अपनी व्हीकल नहीं ले जाते। तो भाई तुम देख ही रहे हो ब्रीफिंग चल रही थी भाई, औसम जनम हमें सिखा रहे थे इस गैंग के रूल की वागोस में कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या इनके रूल्स हैं और इनके इंटरव्यू प्रोसेस को कैसे क्लियर करना है। तो काफी अजीब सा लग रहा है, पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सो आई थिंक ये है इनके वागोस का हेडक्वार्टर। मेरे को मार तो नहीं देंगे एकदम से ये लोग? या आई वांट टू ज्वाइन द गैंग इन द रेड हेयर। ओके ओके, जस्ट आई विल आस्क सम क्वेश्चन, ओके देन आई विल इनवाइट यू। ओके गॉट इट। मैं ये सर, ओह माय गॉड, ओ भाई अटैक हो गया। ये क्या हो गया? ओ भाई मैं तो गैंग ज्वाइन करने आया था, इन पे अटैक हो गया क्या? दिस इज एचक्यू ब्रो, वी आर स्टैंडिंग हियर। We're standing here, just clear here. Listen, I will ask you some few questions, okay? Then after I will invite you in the gang. Got it. Show me your passport, passport. Yes. Okay. Okay, sir. Yeah, you don't have a proper age to join, but if you know everyone, then we will invite. First question, bro. Like, how many percentage of clothes color we have to wear? Around, I think, 40-50%. Tell me one. 51% of color clothes you have to wear in the gang, okay? I will remember it. If you want to rob in ghetto, how many people and how many cars you need to rob a person? Two cars and four people. One mistake, it's correct, but it is for highway, okay? You have 50% of knowledge about the rules. Okay, I'm going to invite you, but don't break any rules. Just follow your duties, okay? Sure, thank you. Welcome to the Vagos. Don't break any rules. When we call, just come. You will get tracked up, okay? Okay. And don't steal from the org. Otherwise, you get 16 days ban. Just if you need anything, just ask us. We will provide you, bro. Have a nice day. Got it. Thank you. Just go and wear a yellow post, okay? ओके ओके भाई, सारे अलग क्वेश्चन थे। मेरे से पूछा कि इतने परसेंटेज ऑफ क्लोथ येलो होने चाहिए, मैंने कहा 40-60%। कह रहा एक नंबर बताओ, मेरे को 40 क्यों आ रहा था दिमाग में, मैंने 40 बोल दिया। कह रहा नहीं 40 नहीं 51 होने चाहिए। फिर उसके अलावा घेटो में कितने चाहिए तुम्हें, मैंने वही बोल दिया दो कार चार लोग। बट कह रहा वो हाईवे के लिए होता है, इसमें तुम्हें दो कार तीन लोग चाहिए। कह रहा NLR क्या होता है, मैंने कहा NLR तो पता नहीं क्या होता है। कह रहा न्यू लाइफ रूल होता है, मतलब कि इसमें तुम 15 अगर किसी को कहीं पे मार रहा है तो 15 मिनट तक वहाँ पे जा नहीं सकते। कह रहा कि चलो तुम्हें कह रहा तुम्हें 50% नॉलेज है, अब मैं तुम्हें ले रहा हूँ रिस्क पे, रूल्स मत तोड़ना कोई। और ऊपर से कह रहा कि भाई तुम्हारी एज भी कम है, सिर्फ 3 साल की हो, तुम 3 लेवल है, 5 साल चाहिए शायद इसके लिए। 5 साल चाहिए, हाँ तो उसमें भी दिक्कत थी, लेकिन उसने ले लिया भाई पता नहीं। तो भाई लोग तुम देख ही सकते हो मैं जो हूँ गैंग में आ चुका हूँ, उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई जिस हिसाब से इंटरव्यू दिया, और सिर्फ 3 साल का था मैं, बट स्टिल उन्होंने आने दिया कि इंडिया नहीं था वहाँ का। और उसके अलावा अब मेरे को कपड़े चाहिए, 24/7 में आ गए। तो अब हम जा रहे हैं कपड़े लेने, हमें 51% येलो क्लोथ्स पहनने हैं। कोई भी कपड़ा सेलेक्ट करना, फिर वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है एरो वाला, उसको दबाना तो कलर चेंज होते जाएंगे। ठीक है तो चलो फिर गाइस यहाँ से येलो कपड़े ले लेते हैं। शो मी व्हाट यू हैव एंड इसको देखते हैं भाई इसके पास क्या है। कैप वैप तो छोड़ो, आउटर वियर मेनली देखता हूँ, ये सही लग रहा है, इसमें येलो कलर है क्या? तो फिर मैं एक ये ले लेता हूँ। उसके अलावा अब मैं टी शर्ट्स पे जाता हूँ। तो गाइस मैंने जो है शॉपिंग कर ली है कपड़ों की, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बेसिकली बिल्कुल येलो कपड़े पहनने थे तो मैंने ये वाली ड्रेसिंग ले ली है, तुम्हें बताओ कैसा लग रहा है, मतलब सिंपल लग रहा है मेरे को। बाकी अब मैं औसम जनोम को ढूंढता हूँ, वो भी काफी देर से घूम रहा होगा इधर। तो गाइस हमने जो है गैंग तो ज्वाइन कर ली है और उसके सारे रूल्स के बिल्कुल अच्छे तरीके से हम गैंग के अंदर आ गए हैं। अब जो जो इसके इवेंट होते रहेंगे उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे जब जब मौका लगेगा। द नेक्स्ट टाइम तो गाइस यहां पे मेरे को ना मेरे गैंग वाले बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक रॉबरी करनी है, तो एक बार हम जाके देखते हैं। इन्होंने मीटिंग पॉइंट सेट किया हुआ है, वहां पर हम लोग जाते हैं और देखते हैं भाई क्या रॉबरी है, क्या सीन चल रहा है। हे मैन, यू आर एफबी आई थिंक, गणेश। नो नो, आई जॉइंड यस्टरडे। यू किल्ड मी यस्टरडे राइट इन एफजेड रेड। व्हिच रेड? तो अभी मैं अपनी गैंग के साथ कहीं जा रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता है कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे थोड़ा पूरा सीन पता नहीं है, बट लेट्स सी, देखते हैं भाई क्या होता है। सो डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग? वी नीड हॉस्टेज एंड वी विल गो टू गन स्टोर रॉबरी। ओके ओके, हेलो
नमस्ते। ओ भाई साहब पीछे पड़ गए, भाई साहब पीछे पड़ गए, भाई साहब फाइटिंग हो रही है। इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। भाई मैं तो मर भी गया इतनी जल्दी। एक तो मेरी हेल्थ भी कम थी, मेरे समझ में नहीं आया एकदम से क्या हो गया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। कहाँ पे हो तुम? हॉस्पिटल पे, अभी मरा मैं, फाइट चल रही थी। अच्छा रुको आता हूँ मैं। अरे एक और बंदा था यार, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा मैं तुमसे बात कर रहा था, इतने में मेरे आगे वाले लोग निकल गए पता नहीं कहाँ पे। अरे ये गैंग के कुछ टास्क होते हैं, ये करे क्या? हाँ हाँ करते हैं ना, क्या है टास्क? एक मिनट, एम दबाओ, एम दबा के आएगा। और एम दबाया और यहाँ पे आ रहे ना अवेलेबल टास्क, 6 टास्क, ये टास्क होता है कैरियर। मैं भी ऑन कर लेता हूँ, साथ में हो जाए शायद। रेंट अ व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट द कार्गो टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन, ठीक है ये तो कर सकते हैं। चलो चलो, इसको पता है चार्ज कैसे करते हैं इस गाड़ी को। इलेक्ट्रिक स्टेशन लगे होते हैं ना, मैंने मार्क किया, एक बार वहाँ पे जाओ। ठीक है। अच्छा ये, हाँ एक बार ट्राई करो। ओ चार्ज हो गया। कितने पैसे लगे? $800 लगे। ठीक है। अ फ्यू इंचेस लेटर, यही लेना है ना? अरे एक मिनट रुको, मेरे ना अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है लेकिन पास में ही है, मैं वो लेके आता हूँ। चलो ये वाला दूसरा व्हीकल ले लेता हूँ मैं। स्मोक ऑन द वाटर, रेंट करना है यार। तुम्हें कहाँ पे दिया लोकेशन? मेरे तो सामने दिखा रहा है, राइट में, मतलब देखो काफी दूर ले दिया है। चलो जाता हूँ मैं उधर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई लोग मैंने ये जो है यहाँ पे ट्रांसफर तो किया है सामान। मेरे को ना पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ से कुछ सामान पैकेज उठाना है। तब तक के लिए मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि पता लग गया ना मैं वेबोस का हूँ तो जो अपोजिट गैंग वाले भाई वो फालतू में अटैक करना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है करे बट कर सकते हैं। तो यार अब आपको पता ही है कि हम लोग आ गए गैंग में, और देखो गैंग में ना प्रोग्रेस हमें करना पड़ेगा, हम अपना लेवल बढ़ाएंगे तभी हम आगे चल के बड़ी बड़ी हाइस्ट एंड रॉबरीज में पार्ट ले पाएंगे जिसमें असली मजा आएगा। सारे टास्क वगैरह करने से पहले हम सबसे पहले ना अपने गैंग के हेडक्वार्टर चलते हैं, यहाँ पे अलग अलग एनपीसीज हैं, एक बार मेरे पास जाकर देखता हूँ क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कैश डोनेट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं कैश डोनेट करूंगा ना तो इससे फायदा ये होगा कि उनको लगे कि मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ। तो मैं कितना करूँ, $100,000 मैं कर देता हूँ। अच्छा कैश नहीं है मेरे पास इतना, अच्छा कैश मेरे को विड्रॉ करना पड़ेगा बैंक से। चलो मैं अभी कर दूंगा, पास के एटीएम से लेके मैं कर दूंगा। बेसिकली इसमें मेरे को विड्रॉ करना है, तो 95,000 आ गए मेरे पास, 5 का टैक्स कटा, बट कोई बात नहीं यार, कॉमन फंड में कैश डाल देता हूँ। Eventually तो मैं आ गया हूँ टैटू पार्लर पे, और मैं यहाँ से टैटू बनवाता हूँ भाई फेस का। सो बेसिकली मैं हेड पे ही ये वाला टैटू बनवाऊंगा, क्योंकि देखो ये वाला ऐसे अच्छा तो लग रहा है बट मेरे को अभी ये वाला चाहिए, क्योंकि ताकि मैं रॉबरीज वगैरह कर पाऊँ। ठीक है इसमें करता हूँ बाय। क्या लॉजिक है भाई, फेस पे टैटू बनवाने के लिए इसमें मेरी शर्ट उतरवा दी, वाह भाई वाह, ये तो होती है बात। चलो अभी हम बाहर निकलते हैं। अभी मैं मानता हूँ भाई अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी देखने में, बट ये बात में हट सकता है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी मैं कपड़े पहन लेता हूँ भाई, ऐसे अश्लील बन के नहीं घूमते भाई, अच्छा नहीं लगता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। चलो भाई चलते हैं, मन कर रहा है कुछ रॉबरी टाइप करने का यार भाई, कुछ लूटते हैं तभी मजा आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई एटीएम रॉबरी करते हैं। वैसे एटीएम रॉबरी करने के लिए गैंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती, आप वैसे भी कर सकते हो, बट मैंने ज्यादा कर ही नहीं है इसलिए मेरा मन कर रहा है कि आज एक बार करके देखते हैं वो। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए होता है एक लॉक पिक सेट, ताकि मैं एटीएम में जाकर रॉबरी कर सकूं, एंड वो बेसिकली मेरे को मिल जाएगा डार्क नेट से। तो मैं जाता हूं अपने फोन में एंड अपने डार्क नेट में जाता हूं, एंड वहां पर जाता हूं इलीगल मार्केट में, एंड यहां पर मिल जाएगा आपको लॉक पिक सेट जो कि सिर्फ 2,000 रुपए का है। मैं तो बल्कि इसे एक या दो तीन बाय कर लूंगा, एंड अब ये जाके मेरे को मिलेगा पोस्टल में। तो मेरे को पोस्टल ही जाना है, और वहां से मैं अपनी गाड़ी भी उठाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही खड़ी करी थी, और तुम देख ही सकते हो सामने मेरी बाइक खड़ी है, बट बाइक में क्या हो गया भाई, फ्यूल खत्म हो गया तो इसलिए मैं उसे चला नहीं सकता, और मैंने मंगाई है टैक्सी, वही टैक्सी वाला आएगा एंड मेरे को छोड़ देगा। हेलो एम्युनेशन, आई'd लाइक डायरेक्शंस टू वन ऑफ योर लोकेशंस। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ पोस्टल में, पोस्ट ऑफिस में, और यहाँ पे मैं अपना जो है लॉक पिक सेट ले लेता हूँ, जो कि मैंने दो खरीदे थे। वैसे दो की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटीएम में क्या होता है कि अगर आप एक यूज़ भी कर लो ना तो ख़राब नहीं होता, लेकिन कार रॉबरी में टूट जाता है, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं यहाँ पे पार्किंग से अपनी कार भी उठा लेता हूँ, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ रखी थी। तो यार देखो मैंने कार भी उठा ली, अपने पास लॉक पिक सेट भी आ गया, और अब मैं जाता हूँ भाई किसी एटीएम पे। कोशिश करूँगा कि किसी ऐसे एटीएम पे जाऊँ जहाँ पे पुलिस आने के कम चांसेस होंगे, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दूर हो, या फिर ऐसा हो कि भाई वहाँ पे पुलिस आती ही कम हो, क्योंकि भाई अगर पुलिस आ गई ना तो पकड़ के ले जाएगी, एंड भाई फिर फाइन वाइन लगेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मतलब एटीएम के पैसे भी नहीं आएंगे और उसके अलावा फाइन भी लगेगा, पैसे भी चले जाएंगे। एंड मैं भाई यहाँ पे आ गया हूँ, मैं बिल्कुल जो अपनी गैंग है ना भाई उसके हेडक्वार्टर्स के पास ही रॉब करने वाला हूँ। यहाँ पे घेटों में मैंने सुना है कि पुलिस कम आती है, तो एक बार हम ट्राई करते हैं भाई, पता नहीं करने पर ही पता चलेगा। अभी तुम देख ही सकते हो कि भाई ये वाला एटीएम है वो जिसे हम रॉब करने वाले हैं, एंड ये वाला एरिया भी वैसे थोड़ा बहुत खाली ही लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा लोग तो नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को ना बिल्कुल एटीएम के पीछे खड़ा कर देता हूँ, मतलब एटीएम के जितना पास हो सकता है ना उतना यहाँ पे, और मैं इस गाड़ी से उतरता हूँ, और उसके अलावा मैं यहाँ पे जी दबा के इसका जो ट्रंक है वो खोल के रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी अपनी गाड़ी भी खराब हो गई है, इसे एक बार रिपेयर भी कर लेता हूँ। अब इस एटीएम की रॉबरी
स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये इंटरेक्शन एंड रॉब एंड एटीएम, ठीक है, रॉब करते हैं इसको, एंड बेसिकली जब ये येलो आ जाएगा ना तब मेरे को इसको प्रेस करना है, और ये रॉबरी इसकी स्टार्ट हो गई है, और मैं जल्दी से क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा और गाड़ी में इसकी डिक्की में जो है वो अपना लॉक पिक सेट रख दूंगा, क्योंकि भाई पुलिस आती होगी और मेरे को यहाँ पे ना 5 मिनट रुकना है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे 5 मिनट रुकना है, उसके बाद मेरे को कुछ यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी ट्रंक खोलता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ अपना लॉक पिक सेट, भाई जल्दी करो जल्दी, और इसको कर दो बंद और गाड़ी में जाके बैठ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ ताकि मेरे पे शक ना जाए, ठीक है, मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, ऐसा करता हूँ इस गाड़ी के साथ खड़ा हो जाता हूँ ताकि लगेगा कि मैं इसी के साथ हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम देख ही सकते हो ऊपर टाइमर चल रहा है, 4 मिनट 14 सेकंड और वेट करना है, मतलब देखते हैं भाई पुलिस आती है फिर नहीं आती। बेसिकली गाड़ी में बैठने का एक फायदा ये भी कि भाई अगर पुलिस आएगी ना मैं सीधा भगा लूंगा, फिर मैं नहीं रुकूंगा, समझ रहे हो तुम। और देखो अगर पुलिस आती भी है ना तो वो क्या करेगी, वो सर्च करेगी पहले मेरे को, एंड फिर वो देखेगी कि भाई तुम्हारे पास लॉक पिक सेट है या नहीं है, उसे मेरे पास लॉक पिक सेट मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो मैंने टिक्की में डाल दिया, एंड इसीलिए शायद ये हो जाएगा कि भाई वो मेरे को छोड़ देगी, ज्यादा चांसेस है बचने के, लेकिन जो मेरे पे एक स्टार का वांटेड लेवल आ गया ना उस चक्कर में वो मेरे को अरेस्ट भी कर सकती है, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड भाई हमारी रॉबरी जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, जी हाँ गाइस, पुलिस आई ही नहीं हमको पकड़ने के लिए, मतलब हम यहाँ पे रुके भी रहे भाई, कोई पुलिस ही नहीं आई, शायद ये जो घेटो का रीजन है ना यहाँ पे कम ही आती है, क्योंकि अगर तुम यहाँ से देखो तो पुलिस को अगर आना होता तो यहाँ से आती, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पास है यार, फिर भी यहाँ पे नहीं आई, तो मेरे हिसाब से जो घेटो का रीजन है गैंग्स वाला यहाँ पे कम ही आती है पुलिस, एंड इसीलिए हमारी जो रॉबरी सक्सेसफुल हो गई है, हमें $4,000 जो है वो मिल चुके हैं, बट इसका एक लिमिटेशन ये कि हम एक घंटे में सिर्फ 3 ATMs को ही रॉब कर सकते हैं, और एक ATM को ऐसे इतना दोबारा रॉब नहीं कर सकते, तो इसलिए भाई हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अगला ATM रॉब करने के लिए। 12 seconds later. तो यार ये गलती जो मैंने अभी सर्वर में कर रखी है वो है कि भाई मैंने अभी तक इसमें वही नहीं लिया कार का इंश्योरेंस, एंड वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे में मेरी कार जो चोरी वोरी हो जाएगी एंड फिर भाई नुकसान हो जाएगा, तो मैं कार का इंश्योरेंस लेने जा रहा हूँ एंड वो मिलता है ट्रैफिक पुलिस से, तो एक बार मैं जाता हूँ एंड देखता हूँ भाई कैसे मिलता है वो। एंड भाई अभी तो पूरी फॉग हो रखी है, मतलब तेज चलाने में ना दिक्कत होती है कि आगे का रास्ता दिख नहीं रहा, और ये देखो गाड़ियां भी नहीं दिख रही, एंड फाइनली फॉग चला गया, अब एटलीस्ट क्लियर तो दिख रहा है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ SAHP यानी कि सैन एंड्रियास हाईवे पुलिस, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ इसे, एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई वांट टू बाय एन इंश्योरेंस, तो मैं इसका इंश्योरेंस बाय कर लेता हूँ, एंड इसका इंश्योरेंस की कॉस्ट भाई बहुत ज्यादा है भाई, $240,000 सही में काफी ज्यादा है, लेकिन करना ही पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं, यू डोंट हैव इनफ मनी। बेसिकली मैं जा रहा हूँ अभी के लिए बैंक में ताकि मैं कुछ पैसे निकाल सकूँ, अगर ATM से निकालूंगा ना तो मैं पता ही भाई पैसे लग जाएंगे काफी सारे, इसलिए मैं बैंक जा रहा हूँ। ATM में बेसिकली ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं 5% 10% जो कि भाई हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो मैं बैंक से जाके निकाल लूंगा। अच्छा, और मैं वापस आ गया यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे, और अब मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ क्योंकि मैंने कैश में पैसे निकाल लिए हैं, तो देखते भाई $240,000 का तो मेरा जो है इसका है, जिसकी कॉस्ट है $240,000, और मैं अपनी बाइक के लिए भी इंश्योरेंस ले लेता हूँ कभी इसका, चलो बाइक का इंश्योरेंस तो काफी सस्ता बस $14,000 का है, एंड अब बाइक में भी इंश्योरेंस आ गया ना मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मीनवाइल काफी लोग कहते हैं कि भाई बहुत देर से क्यों डालते हो ग्रैंड आरपी की वीडियो, सर ग्रैंड आरपी जो है वो बाकी GT5 के वीडियो से काफी ज्यादा डिफरेंट है, मतलब बाकी के जो GT5 के वीडियो आप देखते हो वो यूजुअली या तो स्टोरी मोड होते हैं या फिर मॉडेड होते हैं, मॉडेड का क्या कि भाई पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है, आपको जब मन चाहे आप पूरी वीडियो बना लो अपने हिसाब से सब कुछ कर लो, तो आपका कंट्रोल है उसके ऊपर। लेकिन ग्रैंड आरपी में क्या है कि भाई इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमें इसके टाइमिंग्स के हिसाब से चलना पड़ता है, कभी कभी रात को कोई चीज हो रही है, कभी कभी सुबह कोई चीज हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम एक बार बैठे पूरा रिकॉर्ड मार लिया एंड फिर भाई बना के डाल दिया, इसमें तो ऐसा भाई सर्वर की टाइमिंग्स के हिसाब से चलना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हमने रिकॉर्ड किया 5-6 घंटे बट उसकी वीडियो सिर्फ बन के आ रही है 10-15 मिनट की, तो इसलिए काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए वीडियोस थोड़ा सा टाइम लगता है यार उनको डालने में, एंड बाकी और भी चैनल संभालने को तुम्हें पता ही है। और बात रही फेस कैम की, तो यार चिंता ना करो अब सब कुछ ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड से 100% फेस कैम होने वाला है एंड उसमें आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, बस अभी ये वाला एपिसोड और देख लो। अभी के लिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करता हूं क्योंकि आने वाले एपिसोड में ना बहुत कुछ होने वाला है। आप मेरे से कह रहे थे कि भाई फैमिली का कुछ इंतजाम करो, तो भाई यार फैमिली के लिए भी काम करना है अगले एपिसोड में, एंड उसका आपको दिखाऊंगा कि भाई हमने क्या किया है फैमिली के लिए, काफी कुछ बढ़िया चीज करी है। फिर उसके अलावा हम लोग जो है आगे चल के अब हम गैंग में आ गए हैं तो फिर स्टोर्स को भी लूट सकते हैं, रॉबरीज भी कर सकते हैं, एंड फूड सिक्योरिटी पे भी अटैक कर सकते हैं चीजों को लूटने के लिए, तो उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा एंड गैंग वॉर्स भी होती रहेंगी। तो आने वाले एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं भाई, इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो कर लो यार, मेरे को तो बहुत इंडियंस मिलते हैं, खासकर आप में से काफी लोग सब्सक्राइबर्स जो है वो भी मेरे को यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो सारे फैमिलीज में आ जाएंगे, तो इसे जो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, सर्वर 2 में आ जाना। बाकी यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।